कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब ये घोर कलियुग आ गया, ये कलयुग से डर करके सौनका ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले पितामह ब्रह्मा जी देखो ये घर कलयुग आया है, अभी ये कलयुग से हम बच्चे कैसे है। बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके मैं फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना वो स्थान पवित्र स्थान है, अगर वहीं पर बैठ करके भजन करोगे ये कलयुग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। कहते वो चक्र जा करके गिरा नैमिषारण्य में गिरा है, उस स्थान का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? पहला कारण है चक्र का जो ऊपरी भाग को नैमि कहते हैं, वहां पर गिरा इसलिए नैमिषारण्य। दूसरा तात्पर्य है एक निमिष समय भी जहां पर कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य। तीसरा कारण है भगवान एक निमिष समय कितने सारे राक्षसों का बल को वहां पर खत्म किया था, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य नाम पड़ा है। वहीं पर सौनकादि ऋषि लोग बैठ करके हजार सालों से यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनका मन में शांति नहीं मिल रही थी। यहाँ तक भी यज्ञ करते 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 उनके दाढ़ी और उनके मोचे और मेरा हृदय भी जल गया, लेकिन मन में कोई शांति सुख नहीं। एक दिन भगवत इच्छा से वहां पर श्री सुतो गोस्वामी आते हैं। बोले ये सुतो गोस्वामी, ये दो सूत है, कहते एक है उग्र सभा सूत और एक है लोमर सण सूत, दो सूत है। बोले ये सुतो गोस्वामी की कथा है। बोले एक समय श्री बलदेव प्रभु कभी नैमिषारण्य में पहुंचे, वहां पर श्री जो लोमहर सरसुत थे इनकी जो पिताजी थे बैठ करके वहां पर पुराण पाठ कर रहे थे। लेकिन नियम है जैसे कोई हमारे गुरुजन आए हैं, कोई साधु संत अगर आते हैं, नियम है क्या करो उसी समय भले पुराण पाठ क्यों नहीं करो, नहीं तो कई ठाकुर को सेवा क्यों नहीं करो। कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाओ, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताए। अगर भगवान अगर गुरु जी खड़े हो तो पहले किसकी चरण में प्रणाम करो? पहले गुरु जी की चरण में प्रणाम करो, क्योंकि हमें जो भगवान की भक्ति की राह पर कौन चलाते? श्री गुरु जी चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आए श्री बलदेव प्रभु आदि गुरु, बोले आए आए बैठ जाएंगे, हम तो पुराण पाठ कर रहे हैं। बलदेव प्रभु ने देखा, हाँ ये तो पुराण पाठ कर ही रहे हैं, लगता है तुमने शुद्ध किसी साधु की अनुगत्य में तुमने ये पुराण पढ़ना नहीं सीखा, तुम्हारे अंदर में अभिमान है, बड़े व्यक्ति को आदर देना तुम जानता नहीं। इतने में बलदेव प्रभु ने उठाया एक घास, घास उठा करके उनकी कलाई काट डाली। हाहाकार मच गया, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी हमें ये पुराण कौन सुनाएगा, है ये पुराण हमें कौन सुनाएगा पुराण? बलदेव प्रभु
बोले कोई चिंता नहीं, उनका एक छोटा बेटा 5 साल का जिसका नाम था लोमर सणसुत, उग्र सभा सुत। उग्र सभा मतलब होता है जो एक बार सुन लेना जिसको वो याद कर लेता है, इसलिए उसका नाम उग्र सभा सुत। बलदेव प्रभु साक्षात गुरु तत्व है, उनके सर पर हाथ रख दिया, हाथ रख करके बोले तुम यहाँ पर बैठो और ये पुराण को कथा सुनाओ। उन्होंने बैठ करके फिर उन्होंने पुराण की कथा सुनाना शुरू कर दिया। कहते ये सूत मतलब होता है जो छोटे जाति में जो जन्म ग्रहण करे। लेकिन ये सूत गोस्वामी को सौनकादि लोग प्रश्न कर रहे हैं, कहते जो ऋषि मुनि ब्राह्मण बड़े बड़े संत ब्राह्मण हैं, लेकिन ये बड़े व्यक्ति के छोटे जाति में जो जन्म ग्रहण किया उनसे प्रश्न करते हैं। बोले तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य है जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजा सो हरि को हो। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो बड़े हैं, हैं? इसलिए हनुमान जी को देखो, कौन से जात में हनुमान जी जन्म लिए? बंदर घर, बंदर जात में हैं? लेकिन देखो हनुमान जी के घर घर में हनुमान जी की पूजा होती है। सबरी जाति सबरी में उन्होंने जन्म ग्रहण किया, लेकिन भगवान जी का झूठा बैर खाया है। विभीषण ये राक्षस कुल में विभीषण का जन्म है, लेकिन जब राम दरबार लगता है भगवान राम उसको बराबर आसन देते हैं, हैं? इसलिए प्रहलाद महाराज भी राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन देखो ठाकुर जी को खंभे से ही ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। बोले श्री प्रहलाद महाराज की। इसलिए यहाँ पर सौनकादि ऋषि ने कहा हे सुत गोस्वामी, आप गुरु जी की कृपा से ये जितने वेद पुराण इतिहास आप गुरु जी की कृपा से ही प्राप्त किए हो, इसलिए आप कृपा करके हमें बताओ ये जो कलयुग है, ये कलयुग में कहते प्राय करके लोगों का जो आयु बहुत कम है। सत्ययुग में 1,00,000 साल था, त्रेता युग में 10,000 हो गया, द्वापर युग में हो गया 1,000, कलयुग में हो गया 100। अभी कोई 100 साल भी कोई जिंदा नहीं रहते, कोई रहते 100 साल कोई जिंदा नहीं रहते हैं। इसलिए कलयुग में परमायु बहुत ही कम है। अब जरा कोरोना कोरोना आई तो कितना लोगों को लेकर चला गया है, इसलिए ये मानव शरीर में कोई गारंटी नहीं कभी ये श्वास चलते चलते हमारी श्वास बंद हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप कृपा करके बताओ हम लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया है, और ये 6 प्रश्न का जो उत्तर है ये श्रीमद् भागवत है। आज मैं आपको बताऊंगा 6 प्रश्न किया, और कल आपसे सुनूंगा, ठीक है? बोल दोगे ना? कौन बोलेगा? ठीक है, कल हम सुनेंगे, देखेंगे कौन बोल पाता है। इनका जो पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? याद हो गया कि नहीं? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ये करोड़ रुपया की ये प्रश्न है। हम सबके सब जीवन में जो कुछ करते हैं शांति के लिए, है ना, शांति सुख के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए इनका प्रश्न यही है, है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ये हम लोगों को शिक्षा देते हैं। जब किसी साधुओं को संतों के पास में जाओ ना, इधर उधर कोई दुनियादारी कोई बात मत करो, है उनके पास में पूछो आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। लेकिन हम साधु संतों के पास में कर जाकर ये प्रश्न नहीं करते, ये दुनियादारी बात करना शुरू कर देते हैं, इस संसार की बात करना शुरू कर देते हैं। नहीं, संतों के पास में पूछो आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या? देखो एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। बोले आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब ये जीवन में ठाकुर जी तुमको मिल जाए, जब भगवान तुमको मिल जाए आत्मा को शांति तभी मिल सकती है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, तत् प्रसादात पराम शांति। जब तक जीव मेरी कृपा को प्राप्त नहीं करते हैं अर्जुन, कभी जीव को वो शांति मिल ही नहीं सकती है। इसलिए उनका दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवान हमें कैसे मिलेंगे। जो तीसरा प्रश्न है, भैया भगवान कौन है?
कहते भगवान मिलेंगे, लेकिन ये भगवान है कौन? पहले तो पता चले भगवान है कौन, हमारा बुद्धि तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती रहती है। कहते अमुक भगवान, अमुक भगवान, अमुक भगवान, पता नहीं कितने भगवान है, लेकिन इस सारे भगवान में मूल भगवान कौन है, असली भगवान कौन है, है? इसलिए बोले श्री भगवान जो कृष्ण चंद्र है इनकी कथा हमें श्रवण करा। चौथा प्रश्न है, कहते केवल कृष्ण कथा नहीं, कहते जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुताय नम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान अलग अलग युग में, कभी भगवान राम अवतार लेकर के आए रावण को मारा, कभी भगवान मत्स्य अवतार में आए चार वेद को उद्धार किया, कभी भगवान बराह रूप में आए पृथ्वी को उद्धार की है, इसलिए कभी नरसिंह भगवान बन करके आए प्रहलाद को रक्षा किया। इसलिए मुझे कृष्ण की भी कथा सुनाओ, और कृष्ण के जितने अलग अलग अवतार है उनका कथा भी हमें श्रवण कराओ। जो उनका जो पंचमा प्रश्न है, कहते भगवान की जो अद्भुत जो जस है, हमें भगवान की अद्भुत जस हमें सुनाओ। जैसे भगवान कृष्ण तो एक थे, लेकिन ठाकुर जी जब रासलीला कर रहे थे ना, 100 करोड़ गोपियां वहां पर थी, लेकिन ठाकुर जी 100 करोड़ रूप लेकर के नाच रहे थे, हर गोपियां देख रहे थे कृष्ण मेरे पास में, मेरे पास में। और कृष्ण जब गिरिराज उठाए, बोले गिरिराज महाराज की, कृष्ण 7 साल की 7 क्रोश गिरिराज, और उन्हें 7 दिन तक कनिष्ठ अंगुल में धारण कर लिया। अब हमें वो जस सुनाओ। फिर अजामिली ने अपना बेटा का नाम रख दिया नारायण, नाम रख दिया, और नारायण बोलते बोलते अंतिम समय में जब जमदूत लेने के लिए आए, भूल से कैसे उसको मुंह से बेटे के लिए नारायण नाम निकल गया, एक नारायण नाम निकल गया, तो इससे मुक्ति हो गई, इससे ही मुक्ति हो गई। इसलिए आप कृपा करके भगवान और उनका जो नाम जो अद्भुत जो शक्ति है वो सब कथा हमें सुना। और उनका जो छठवां प्रश्न था, जब भगवान जगत छोड़ करके गए, फिर ये कलियुग में धर्म कहाँ पर आश्रय लिया, बोले कलियुग में धर्म कहाँ पर आश्रय लिया, बोले ये श्रीमद भागवत ग्रंथ। अगर कलियुग में कोई ये भागवत कथा सुन ले तो क्या समझो, बस हमें ठाकुर मिल गए। कौन मिल गए? बांके बिहारी हमें मिल गए। जो ये भागवत कथा सुनते हैं, और बांके बिहारी से मिलना कोई अलग नहीं, सुनना और ठाकुर से मिलना एक ही बात। जब उन्होंने ये 6 प्रश्न की, सुत गोस्वामी को सुनकर बड़े खुश हो गए, बोले वाह तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, जिसको सुन करके मैं रोम रोम खिल उठा। बोले क्यों? बोले तुमने जो प्रश्न किया है, ये सारे प्रश्न भगवत संबंधित प्रश्न, कोई दुनियादारी के प्रश्न है नहीं, जिसमें केवल हरि की कथा हरि की चर्चा होगा, और हरि चर्चा हरि कथा में आत्मा को शांति मिलती है, और दुनियादारी की बात करो तो मन को अशांति मिलती है। इसलिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बोले पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम कर लेता हूँ, फिर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उन्होंने सबसे पहले अपना गुरु जी को प्रणाम करते हैं, बोले बंदो गुरु पद पदो मा प्यागा, बंदो गुरु पद पदो मा प्यागा, बंदो गुरु पद पदो मा प्यागा, सुरुचि सुभास सरस अनुरागा, सुरुचि सुभास सरस अनुरागा, बंदो गुरु पद पदो मा प्यागा, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
सबके बीच में ताली बजाते हुए गाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पहले उन्होंने अपना गुरु जी के चरण में प्रणाम किया। कल मेरे गुरुदेव कौन है? बोले मेरे गुरुदेव कोई साधारण नहीं, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी मेरे गुरुदेव है। जो माँ की गर्भ में कहते 16 साल तक माँ की पेट में जो रहे, पेट में बैठ बैठ कर भजन कर रहे थे। एक दिन उनकी पिताजी बोले बेटा तू कौन, इतना कष्ट क्यों मैया को दे रहे हो? 9 महीना अगर बच्चे रह जाए आपको बताओगे माता का क्या हालत होता है? अगर कोई बेटा अगर 16 साल तक रह गया तो बोले मैया को क्यों इतना कष्ट दे रहे हो बेटा, निकल करके आ जा। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले यहाँ पर बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। बोले संसार में आने से हर बच्चा माँ के पेट में भगवान से वायदा करते हैं, बोले प्रभु ये नरक से मेरे को निकाल दो, निकाल दोगे तो उठते बैठते तेरे भजन करूंगा। लेकिन संसार में आकर सब भूल जाता है, भजन भजन सब भूल जाते हैं। जो काम के लिए आया उसको तो छोड़ देता है, जो नहीं करने आया उसमें लग जाता है। इसलिए प्रभु मेरे को माँ के पेट से मत निकालो, यहाँ पर बढ़िया आनंद से भजन हो रहा है। बोले बेटा आप माया को हटा देंगे? बोले आप नहीं हटा सकते। बोले कौन हटा सकते हैं? बोले जो मायापति जो कृष्ण हैं वही माया को हटा सकते हैं।
इतने में भगवान कृष्ण आए, जो उन्होंने माया को हटाया ना, श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की, लेकिन जन्म तो हुए, लेकिन जन्म होते ही उनकी उपनयन भी संस्कार नहीं हुई, नाड़ी जो काटी जाती है वो नाड़ी भी काटी नहीं गई, बस जंगल में चल पड़े। अभी पिताजी हा पुत्र करते करते पीछे चल रहे थे, लेकिन जब हा पुत्र बोल रहे थे, लता बता वृक्ष से भी आवाज आ रही थी, हा पुत्र मतलब कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता है, ये झूठा संसार है। इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं, देखो ये जितने वृक्ष लता बताओ है ना, मेरे गुरु जी की विद्यमान इसके अंदर में भी है। इसलिए कहते हैं जिसको भगवान प्यार करते हैं, दुनिया विश्व ब्रह्मांड उसको प्रेम करते हैं, जैसे हनुमान जी को भगवान प्रेम किया था दुनिया उसकी पूजा करते हैं। इसलिए जो ठाकुर को प्यारा हो जाता है, दुनिया का प्यारा वो बन जाता है। इसलिए देखो जितने लता पता भी मेरे गुरु जी को हा पुत्र कह रहे हैं, और मेरे गुरुदेव सभी के हृदय में मेरे गुरुदेव बैठे हुए, जैसे सभी के हृदय में गुरु जी मेरे हृदय में भी आ जाए। इसलिए हे गुरुदेव, ये सौनकाद ऋषियों ने जो प्रश्न किया है, जैसे इनकी सही सही मैं उत्तर दे पाऊं, तो उन्होंने उत्तर दिया है। बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रदक्षजे, आहि तुके अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीदति। आप लोग बताओ पहला प्रश्न क्या था, छह प्रश्न किया था ना, पहला प्रश्न क्या था, मन को शांति कैसे मिलेगी। हाँ, मन को शांति कैसे मिलेगा, ध्यान देकर सुनो, हम जो कुछ संसार में करते शांति के लिए, शांति के लिए करते हैं ना, लेकिन दुनिया में देखना प्रैक्टिकल रूप में देख लेना। जैसे घर में कोई एक समस्या, हम सोचते हैं किसी तरह से एक समस्या टल जाएगी शांति मिलेगा, लेकिन आप देख लेना एक समस्या तो गई नहीं, सामने दूसरी समस्या खड़ी हो गई। फिर सोचते हैं भैया किसी तरह से ये समस्या हल हो जाए शांति मिलेगा, अब देख लेना दोनों समस्या तो गई नहीं, तीसरी समस्या। समुद्र देखे हो आप लोगों ने, देखे नहीं ना, कैसे लहरी के बाद में लहरी, लहरी के बाद में लहरी आती रहती है, कहते उसी तरह संसार में भी ये एक समस्या के बाद में दूसरी आती रहती है। इसलिए इन्होंने उत्तर देते हैं, तो आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये सारी समस्या कैसे हल होगी। देखो अरब खरब रुपया की क्वेश्चन और आंसर भी बड़े कीमती आंसर है। बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रदक्षजे, बोले जीव मात्र का धर्म क्या है, बोले जो जीव मात्र का जो धर्म है, जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाश है। हम सब भगवान की संतान, ठाकुर जी के हम सब औलाद है, हम साधारण कोई नहीं है, अमृतस्य पुत्र हम है। इसलिए भगवान कौन, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक ठाकुर जी। लेकिन हमने क्या किया, ठाकुर जी को भूल गए, हम बोले ठाकुर जी तेरे हम सेवा नहीं करेंगे, हम तो माया की सेवा करेंगे। भगवान बोले देख ले माया में क्या सेवा करके आनंद तो देख ले, खराब ठाकुर जी है। इसलिए जैसे भगवान सनातन है, भगवान जैसे आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप है, वो सारी चीज हमारी अंदर में विद्यमान है सब चीज। लेकिन फिर वो संपत्ति से वंचित क्यों हो गए, हमने भगवान के भजन करना छोड़ दिया। बोले ठाकुर जी तेरे सेवा भक्ति नहीं करेंगे, करेंगे हम माया की सेवा करेंगे हैं। इसलिए जितने सारे दुख कष्ट का कारण है, हमने भगवान को भूलने का वजह से ही ये सारे दुख कष्ट है। लेकिन अगर इतनी सी बात, जैसे पिता तुम्हारी अरब खरब थी, पिताजी डांट लगा दी, अगर हम पिताजी को अगर छोड़ करके चले गए तो फिर क्या होगा, सारे संपत्ति आनंद से वंचित हो जाएंगे हम। अगर बच्चा अगर इतना आकर के पिताजी की चरण छू ले, बोले पिताजी एक्सक्यूज मी, पिताजी अपराध थे माफ कर दो मेरी गलती हो गई, फिर पिताजी क्या करेगा, फिर तुम गोद में भर लेगा, बोले बेटा तू तो मेरा ही बेटा, देख इतना राज्य ठाड़ बड़ राज्य सब तेरे लिए तो मैंने किया, किसी लिए किया, और तुम्हारे बात ही नहीं सुना, इसलिए दुख कष्ट पा रहा था। बस इतनी सी बोलना है ठाकुर को पास में, ठाकुर जी माफ कर दो, एक्सक्यूज मी, इतना बोल दो बस हो जाएगा, इतना बोलने से सब काम हो जाएगा। केवल ठाकुर जी की शरण में आकर के ठाकुर जी का भजन करने लग जाए, सारे काम हो जाएगा।
इसलिए कहते सबई पुंसा परो धर्म, इसलिए व्यक्ति मात्र का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है क्या है, बोले भगवान को प्रेम करना ही इसका यही धर्म है, है? लेकिन हम भगवान को प्रेम नहीं करके हम दुनिया को हम प्रेम कर रहे हैं, जिसको करनी चाहिए उसको नहीं करके, जिसको नहीं करनी चाहिए उसको कर रहे, इसलिए दुख का कारण है, हैं? इसलिए सबके सब बोलेंगे बोले हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाया। बोले पहला जो भक्ति है इसमें कोई कामना वासना नहीं हो, निष्काम हो तुम्हारी, लेकिन हमारी भक्ति कैसे है, जैसे ठाकुर जी के पास में गए 10 रुपया की कोई फल लेकर गए, नहीं तो फूल ठाकुर जी को चढ़ाया, लेकिन उसको साथ में एक पर्ची होगा, जानते हो कितना पैसा, कम से कम 10 करोड़ की होगा, ठाकुर जी इसलिए 10 रुपया की फूल चढ़ाया, हमारे 3 मंजिली मकान बना दो, हमें ऐसे बढ़िया की गाड़ी दिला दो, हमें इस संसार का हमारी है जो नौकरी लगा दो, नहीं तो बिजनेस में कर दो। इसका मतलब ठाकुर जी को भक्ति करना नहीं हुआ है, ठाकुर जी को नौकर बनाना, ठाकुर जी आप आकर के हमारे घर में सारे काम को तुम कर लो, फिर ये भक्ति नहीं हुआ है, ये तो बनियागिरी हो गई, ये बनियागिरी हो गई। जैसे पिताजी की अथा संपत्ति है, अथा संपत्ति, तुमको पिताजी को मांगने की जरूरत नहीं, पिताजी हमें दे दो, क्या करो, पिताजी की सेवा करो, पिताजी अगर खुश होगा तो तेरे लिए इतने कमा करके जाएगा ना, तू खा भी नहीं सकते। अगर पहले से ही तुम पिता को जोर जबरदस्ती करने लग जाओगे, पिताजी सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम पर पहले लिखाओ तभी सेवा करूंगा, पर पिता क्या बोला, जरूरत नहीं तेरे को कोई प्रॉपर्टी में, तुम जाग जा सकते। लेकिन अगर पिताजी की सेवा करेगा तो पिता क्या करेगा, देखा मेरे बेटा कितना अच्छा है, बेटा कितना अच्छा मेरा है, कितने सेवा करता है, मैं बेटे के लिए इतने छोड़ करके जाऊं कोई बेटे का कभी कष्ट नहीं हो, ठीक है ना, पिताजी को मांगने की जरूरत नहीं, पिताजी की सेवा करो, उनकी सेवा करो पिताजी को, हनुमान जी सेवा तो करते राम की, क्या करते हैं, देखो भगवान सारा दुनिया का मालिक हनुमान ही है, देना राम की इतना पूजा नहीं होता होगा जितना हनुमान की पूजा हो रही दुनिया में, क्योंकि उन्हें राम की भक्ति की, राम की सेवा की है, ठीक है ना, भगवान से मांगने का जरूरत नहीं। जैसे मानो उदाहरण देते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को देखते ही मांगना शुरू कर देते हो, बोले भैया ये दो ये दो, अगर वो व्यक्ति तुमको दूर से देखेगा ना, आ रहा है ना, रास्ता बदल देगा, क्यों, इसको पास में जाते ही मांगना शुरू कर देना ये दो ये दो, इसलिए अगर भगवान से ज्यादा मांगेंगे ना ठाकुर छोड़ जाएंगे, छोड़कर भाग जाएंगे तुम घर से, इसलिए मांगने का जरूरत नहीं ठाकुर जी को, क्या करो ठाकुर को निष्कपट रूप में ठाकुर जी को सेवा करो, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं अहेतुकी अप्रत्याता, भक्ति कैसे होनी चाहिए, जैसे कि शहद को ऐसे डालो, देखना शहद में एक धागा बन जाती है, कहते ऐसे भक्ति 24 घंटा में 24 घंटा प्रभु की भक्ति करो। आप बोलोगे हम थोड़ी कोई बाबा है जो दिन भर माला लेकर बैठ रहेंगे, हमारा बीबी बेटा संसार भी है ना, है हम दिन भर थोड़ी माला लेकर बैठेंगे, आप 24 घंटा भजन करो, हमसे थोड़ी होगा, कहते भैया 24 घंटा माला लेने का जरूरत नहीं है, ये गोपियां भी तो घर में रहती थी लेकिन हाथों में काम करती थी और मुंह में ठाकुर जी का नाम लेती थी, घर में झाड़ू लगाओ तो कहां झाड़ू लगा रहे हो, बोले भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, रसोई बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो, बोले ठाकुर जी के लिए लगा रहे हो, हैं? इसलिए स्नान कर रहे हो तो क्यों, बोले शरीर पवित्र होगा तो ठाकुर को सेवा करेंगे, इसलिए किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को भगवान की भक्ति में जोड़ दो, बस हो गया, सब चीज को भगवान की भक्ति में जोड़ दो, हो जाएगा। इसलिए कहते हैं तभी ये आत्मा को पूर्ण शांति मिलेगी, कब मिलेगा, जब ये भगवान की भक्ति निष्काम होकर के हर समय 24 घंटा में 24 घंटा जब हम भगवान की स्मरण करेंगे आत्मा को, तभी शांति मिलेगी आत्मा को। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। मैंने कहा जो दूसरा प्रश्न था, बोले कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है, कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे, तो इसका उत्तर देते हैं, बोले कलयुग के बलना माधा।
चलना आधारा। आ कलयुग के बलना आधारा, कलयुग के बलना आधारा। आ सुमेरी नारायण उतराई पारा, कलयुग के बलना आधारा, कलयुग के बलना। बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। सब मुझे मेरे ताली बजाते हुए बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पानी का ठाकुर जी सबसे सरल उपाय बोले, सत्य युग में था ध्यान करने के लिए है। देखा कलयुग में लोग का मन इतने चंचल है, कोई कोई ध्यान का शिविर खोलते ना, ध्यान करो आग बंद करके। बताओ आग बंद करके क्या ध्यान करेंगे? जिंदगी भर जो किए होंगे वही तो ध्यान आएगा। मन इतने चंचल कृष्ण द्वापर युग में अर्जुन कहते बोले प्रभु ये भाई को कोई कंट्रोल कर सकता लेकिन मन को कोई नहीं कर सकता, इतने चंचल कलयुग में मन है। इसलिए कलयुग में युग धर्म था ध्यान है, तपस्या करते थे।
कलयुग में 15 दिन में एक एकादशी आती है। अगर किसको बोले एक एकादशी करने के लिए, अगर एकादशी में कोई अगर निर्जला करता है ना, बोले भैया ये काम कर दो, बोले आज हमने व्रत रखा है, आज हमने क्या रखा है, इसलिए आज हम कुछ कर नहीं सकते, हमने उपवास रखा है ना। मतलब कलयुग में एक दिन भी जीव उपवास में नहीं रह सकता है। द्वापर युग में, त्रेता युग में था यज्ञ, अभी कलयुग में यज्ञ नहीं कर सकते, क्यों? बोले कारण है, आपको कोई प्योर घी नहीं मिलेगा। नाम लिखा होगा प्योर घी है, लेकिन चर्बी फर्बी इधर उधर कोई चीज मिला हुआ होगा। अगर घर में घी बनाओगे ना, आप देख लेना, एक किलो घी बनने के लिए 2000 रुपया से ज्यादा पैसा खर्चा होगा, तभी एक किलो घी बन सकती है। और जो 500 रुपया में 1000 रुपया में मिलता है घी, वो घी नहीं है, वो घी घी नहीं है, उसमें से मिलावटी चीज है। फिर जो हवन सामग्री अभी शुद्ध नहीं, कलयुग में जो ब्राह्मण है वो भी संस्कृत बोलना जानते नहीं, उच्चारण मंत्र आता है नहीं, अगर उल्टा सीधा मंत्र उच्चारण करो उल्टा क्रिया हो जाएगा, बोले कलयुग में ये संभव नहीं। द्वापर युग में था पूजा सेवा, अभी पूजा सेवा करने के लिए दूध दही घी शक्कर चंदन अंगूर कर्पूर माला ला, कहां से लाएंगे इतना पैसा, रोज रोज कहां से आएगा। इसलिए भगवान बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, केवल ठाकुर का नाम जप करो, बस होठ हिलने पर एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो, आप बताओ पैसा पैसा लगाए आपको, कोई पैसा खर्चे हुई, कोई परिश्रम हुआ है, आनंद ही आनंद है, ठाकुर का कीर्तन में आनंद है। इसलिए भगवान कलयुग में बोले भैया, बोले सुलभम भगवत नामम, भगवान ये नहीं कहते देख अगर तुम मेरे नाम लोगे ना इतना पैसा देना पड़ेगा, ठाकुर जी बोलते हैं पर नहीं, बोले सुलभम भगवत नामम, बोले जिह्वा च बसवर्तिना, ये जिह्वा को जैसे बोलो ना, अगर बोलो चुगली करने के लिए चुगली करना शुरू कर देगा, अगर बोलो ठाकुर का नाम लेने के लिए नाम लेना शुरू कर देगा, इसलिए जिह्वा हमारी बस में है। लेकिन शास्त्र कहता है बड़े आश्चर्य की बात है, इतने सुलभ ठाकुर जी कर दिया तभी कलयुग में लोग नरक जा रहे, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। फिर भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते बोले नाम नामकारी बहुता, फिर भगवान के कितने नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर, ठाकुर जी का कितने नाम ठाकुर जी के हैं, हैं? पर एक सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान ने सारे शक्ति अपना नाम में धर दिया है, इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम है। इसलिए भगवान ने सारे शक्ति फेर बोले नियमित स्मरण न काला, ठाकुर जी ये नहीं बताए देखो केवल सवेरे उठ करके नहा धो करके तिलक लगा करके पवित्र हो करके मेरे नाम लेना, ठाकुर जी भी नहीं बताया। अजामिल का नाम सुने है ना, हम आगे अजामिल कथा आएगा, देखो उनने जो नाम लिया किसी अवस्था में नाम लिया, बिस्तरा में लेटा हुआ उसी में ही टाटी पेशाब कर रहा था, है उसी में टाटी पेशाब कर रहा था, फिर भगवान को बुलाया नहीं, उसने अपना बेटे को बुलाया और चित्कार करते हुए बुलाया, चित्कार करते हुए बुलाया, तब भी भगवान के नाम में इतने शक्ति है, जब उन्हें नारायण नाम लिया ना, वैकुंठ से विष्णु दूत आ गए और जम दूतों को मार मार कर भगा दिया वहां से, और उनको उन्होंने रखा किया है। इसका मतलब है भगवान कहते हैं इतने सरल उपाय रख दिया, लेकिन तब भी ये जीव भगवान के नाम को नहीं लेता,
नहीं लेता है, क्या करता है, दुनियादारी की बैठ गए तो दुनिया की सारे बात बोलेंगे, लेकिन ठाकुर के नाम के सिवाय, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, कलयुग में भगवान ने सबसे सरल उपाय बताए, हरि का नाम जप करने के लिए सबके सब ठाकुर जी की नाम जप करियो। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, जय जय श्री राधे श्याम। अभी श्री सौनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, इनका प्रश्न है ये बताओ आप कृपा करके, जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो कथा में आओ सबके सब, पीछे आवाज आ रही है, आ रही है पीछे, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को बोलो भैया भागवत कथा हो रही है कथा सुनने के लिए आओ, देखना किसी को कोई छोटी मोटी कोई काम होगा ना, बोले भैया मेरे पास में समय नहीं कथा सुनने का, हम संसार में हमारा बहुत सारी काम है। लेकिन उन्होंने प्रश्न करते, आश्चर्य की बात है, उसी समय श्री परीक्षित महाराज छोटे मोटे राजा नहीं, संपूर्ण ये सप्तदीप पृथ्वी के ऊपर राजत्व कर रहे थे, केवल भारत का नहीं, मोदी केवल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मन, लंदन, फ्रांस, ये पृथ्वी को ऊपर में ये राजत्व कर रहे थे परीक्षित महाराज, इतने बड़े चक्रवर्ती राजा थे। लेकिन उन्होंने सब काम को पीछे रख दिया, सारे काम को पीछे रख करके उन्होंने सात सात दिन तक बैठ कर कथा सुने। बोले भक्ता कौन है, बोले सुखदेव गोस्वामी। बोले सुखदेव गोस्वामी कैसे थे, बोले रमते जोगी बहते पानी। किसी गृहस्थी घर में एक मुहूर्त से, मतलब एक गैया को दोहन करने में जितने समय लगता है, उससे ज्यादा समय ये कहीं टिकने वाले थे नहीं संत। लेकिन 16 साल तक जो मुंह खोले नहीं, लेकिन जब एक बार मुंह खोले ना, सात दिन तक मुंह बंद ही नहीं किए। जैसे अभी कथा सुन रहे ना, उस समय कथा ऐसे नहीं हुई है, दो घंटा तीन घंटा के लिए आए नहीं, 24 घंटा ऐसे सात दिन तक कथा हुई पूरा का पूरा, और उन्हें लगातार सात दिन तक कथा उन्होंने कथा सुनी, तो बड़ा आश्चर्य की बात है। इसलिए श्री सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, मैंने जो पूछा और नहीं पूछा, आप कृपा करके ये सब प्रश्न का आप कृपा करके हमें उत्तर दो। अब इसको सुन करके श्री सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए, फिर इनका उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं, बोले देखो, बोले जिस समय, अभी यहाँ पर श्री महाभारत की कथा, ये महाभारत की मोड़ ले रहा है कथा, आप लोग भी ध्यान देकर सुना, कि जिस समय, हाँ ध्यान देकर सुना, कहते महाभारत देखे होंगे ना टीवी में, महाभारत देखे होंगे, बोले जो महाभारत हुई है केवल दो चीज को लेकर के महाभारत हुई, आपको बताए दो चीज क्या था, दुर्योधन ये चाह रहा था हमारे भाइयों को और कुछ भी नहीं मिलनी चाहिए, सारी संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए, महाभारत का ही कारण था ना। लास्ट में पांडव कृष्ण स्वयं शांति दूत बन करके जाते हैं, बोले पांडवों को ज्यादा चीज की जरूरत नहीं, इनको केवल पांच गांव दे दो और कुछ ज्यादा जरूरत नहीं, पांच गांव दे दो सारे राज्य तुम भोग करो। लेकिन दुर्योधन ने क्या बोले, बगर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी देने के लिए राजी नहीं, तुम सात पांच गांव की बात करते हो, इसलिए तो महाभारत हुई ना। ये एक पहला कारण है, सब चाहते हैं ये सारे संपत्ति मुझे मिले और ये संपत्ति और किसको मिलने नहीं मिलने चाहिए, ये एक कारण। बोले दूसरा कारण क्या था, द्रौपदी ने थोड़ी सी जीवा को चलाया, द्रौपदी इतनी सी बात बता दी, अंधा का बेटा अंधा होता है। हरे कृष्ण, आप लोग थोड़ा आगे चले आओ, जो पीछे है ना माइक तो है नहीं, आप लोग थोड़ा पीछे पीछे आगे आगे आ जाओ, क्योंकि इसमें ना कथा में मैं भी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मेरा गला भी बैठ जाएगा। हाँ थोड़ा थोड़ी सरक करके आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सबके साहब लगता है बर्फ जैसे जम गए सबके साहब।
आप क्या कर रहे हो? आप ब्रजवासी होकर हवा कर रहे हैं? हाँ क्या? हाँ बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आज के आनंद की जय जय श्री राधे। कहते द्रौपदी ने क्या की, द्रौपदी ने थोड़ी सी उसने जीवा को चला दी, इतनी सी बोल दी, अंधा का बेटा अंधा होता है। हाँ देखो ध्यान देकर माता है, ध्यान देख, तुम्हारी ये काम की बात है, तुम्हारी काम की बात है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी है, जैसे अंगुली में हड्डी देखे ना सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाते हैं, कमर में हड्डी इसलिए हम बैठे हैं, पैर में हड्डी हम चलते हैं, लेकिन केवल एक चीज में हड्डी नहीं, किसमें नहीं, ये जीभ में हड्डी नहीं। इसलिए देखना ये जीभ कभी चुप होकर नहीं बैठता है, ये कुछ ना कुछ ये बोलना चाहता है, कुछ ना कुछ ये बोलेगा, चुप नहीं बैठेगा। इसलिए हर चीज, इसलिए ये जीवा को भैया हर समय जीवा को नहीं चलानी चाहिए। इसलिए देखना घर घर में भाई भाई में क्यों लड़ाई हो जाती है, बहू बहू में क्यों लड़ाई हो जाती है, कुछ काम नहीं, कोई बात नहीं, किसी तरह से ये जीवा है ना, ये थोड़ी सी जैसे स्लीप हो गया, मुंह से एक बोली निकल गया, बहू सास नहीं से सास के प्रति बहू को। देखना घर में महाभारत है, इसलिए यहाँ पर ये महाभारत की मोड़ ले रहे हैं। कहते ये जो श्रीमद् भागवत, कहते श्री भागवत कथा के श्रोता कौन है? बोले श्री परीक्षित महाराज इसकी श्रोता हैं। कहते जो परीक्षित महाराज साधारण व्यक्ति नहीं हैं। कहते जब परीक्षित महाराज माँ के पेट में, उत्तरा के पेट में जब ये परीक्षित महाराज थे, इतने में अश्वत्थामा ने देखा इनका वंशों को मैं ध्वंस कर दूंगा, क्योंकि महाभारत युद्ध में सब मर चुके हैं, पांडवों का बच्चे भी मर चुके हैं और दुर्योधन का बच्चे सब मर चुके हैं, लेकिन अंतिम और अभिमन्यु था, अभिमन्यु भी मर चुका है, लेकिन अंतिम धरोहर रूप में अभिमन्यु का जो पत्नी उत्तरा अभी वो गर्भ धारण की हुई, एक बेटा है ये परीक्षित महाराज। बोले अगर इसको किसी तरह से मार दू ना, पांडव का वंश दुर्योधन का वंश खत्म हो गया, कुरु वंश अब ये पांडवों का वंश भी खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने एक ब्रह्मास्त्र मारे, किसको ऊपर में, ये उत्तरा के ऊपर में ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया। इतने में उत्तरा भक्ति भक्ता ही आकर के कृष्ण के चरण में लेट गई, बोले प्रभु मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं, लेकिन पांडव का जो धरोहर रूप में जो अंतिम संतान, अगर ये मर गया तो पांडव का वंश खत्म हो जाएगा, फिर इनकी कुल में कोई दिया देने के लिए कोई रह नहीं जाएगा। कितना जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैर होई। अगर कोई ठाकुर के शरण में आ गए, अगर ठाकुर किसको रक्षा करने वाले है ना भैया, उनको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और इनको रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण। इतने में कृष्ण ने मातृ गर्भ में प्रवेश किया और गदा को घुमा घुमा करके उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र था, उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उन्होंने निस्तेज किया, निस्तेज करते हुए इन्होंने फिर भगवान को उन्होंने प्राण दान की परीक्षित महाराज को, और उन्होंने जन्म होते ही गर्भ में उन्होंने भगवान को दर्शन किया था, ठाकुर जी को दर्शन किया था। अभी उन्होंने सबको परीक्षा कर रहे थे, बोले भैया मेरे भगवान कृष्ण को देखे हो कहीं, जिनको मैंने गर्भ में दर्शन किया वो कहाँ हैं? वो सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित महाराज। बोले श्री परीक्षित महाराज की, जब उनकी जन्म पत्री, ज्योतिष ने जन्म पत्री देखा है ना, बोले ये ऐसे एक राजा होने वाले हैं, ये भीम जैसे बलवान बनेगा, अर्जुन जैसे गांडीवधारी बनेगा, युधिष्ठिर महाराज जैसे भालाधारी बनेगा, नकुल सहदेव जैसे तलवार युद्ध में सर्वश्रेष्ठ बनेगा, और एक दिन ऐसे होगा ये संपूर्ण चक्रवर्ती पर राजत्व करेगा, और ये इतना बड़ा बलवान होगा, ये कली को भी शासन करने वाली है, ये कली को शासन करना साधारण बात नहीं। कहती है कली को भी यही, कली को भी ये दंड देगा, कली को
लेकिन अंतिम समय में ये नहीं बताया ऋषि की अभिशाप होगी और इनको उद्देश्य करके ये भागवत ग्रंथ भी जगत में प्रकाश होने वाले इनको निमित्त करके इतने सुन करके हैं भीम अर्जुन सब सुन करके बड़े खुश हो गए। हमारी बेटा के बेटा इतने अच्छा बनने वाला है, इसलिए कहते ये परीक्षित महाराज की भागवत जो कथा श्रोता है वो साधारण व्यक्ति नहीं, जो मातृ गर्भ में जिसने भगवान को दर्शन किया है। बोले श्री परीक्षित महाराज की, प्रभु जी आपसे भजन एक भजन गा लिया। ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, सावरिया प्यारे मुरलिया वाले रे, जब से तस्वीर तेरी
से बदल गई है तकदीर मेरी, देखी है जब से तस्वीर तेरी, जैसे महाभागवत है वक्ता भी साधारण नहीं, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी कहते जिस समय श्री व्यास देवज ने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की, बोले ग्रंथ तो बहुत प्यारा बनाया, बड़ा सुंदर है, लेकिन ये ग्रंथ पढ़ाए तो पढ़ाए किसको, लेकिन जिसके लिए हमने ये ग्रंथ बनाया था वो तो जन्म से ही इसका लिखो कम कर, ये जन्म से ही ये ब्रह्मज्ञानी बन करके चला गया। कहते व्यास देव के चार ही चले थे, बोले देखो मेरे एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, उसको वापस ला सकते हो? बोले गुरुजी तोते तो बहुत जंगल में, हमें क्या पता आपका तोता कौन है? बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं एक चारों का चार मंत्र सिखा देता हूँ,
ये मंत्र सुन करके जो तोता पकड़ में आए समझना यही मरा तोता है। पहला शिष्य को उन्होंने पहला मंत्र सिखाया, बोले बरहा पिड़म नटवर भपुहो करनयो कर्णिकारम विप्रत वास कनक गभिषयम वही जयंति चमालाम रंध्रायन वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। ये श्लोक में वर्णना किया है हमारी जो बांके बिहारी देखने में कितने सुंदर है, इसलिए कहते हैं ना बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा ओ देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। इसलिए हमारे बांके बिहारी इतने प्यारे हैं। हरे कृष्णा, इधर सुना मेरे तरफ में जितने माताएं बच्चों को लेकर बैठते हैं ना सब आप पीछे लेकर बैठना, क्योंकि आपको भी सुनने नहीं देते मेरे को भी बोलने नहीं देते हैं, इसलिए आप बीच बीच में बात करते रहेंगे फिर नटखट आप फिर पीछे बैठना ठीक है। इसलिए यहाँ पर बताए कृष्णा देखने में इतने सुंदर है, भगवान कृष्णा देखने में भले इनके सर के ऊपर मयूरपंख ठाकुर जी लगाए, अरे गले में सात फूलों की बड़े सुंदर माला से ठाकुर जी बलमाला में सुसज्जित है, और ठाकुर जी कान में उन्होंने कनियर पुष्पों को उन्होंने धारण करके रखे, और मीठी मीठी ठाकुर जी बंसुरी बजाते हैं। इसलिए कभी 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 राधा रानी कहती हैं, ठीक है, कभी कभी राधा रानी कहती हैं अगले जीवन में और मैं राधा बन करके नहीं आऊंगी, आऊंगी तो बंसुरी बज करके आऊंगी। बोले क्यों? बोले मैं राधा रानी, कृष्ण मेरे प्रियतम है, कृष्ण की अधरा मृत में मेरी अधिकार, लेकिन देखो ये बांस के टुकड़ा हो करके हमारी जो अधिकार को कृष्ण का सारे अधरा मृत को यही बंसुरी पान कर रहा है। कृष्ण अधर देखने में कैसे, बोले सुंदर बिंब फल जैसे, लेकिन ये सारे रस को अकेला पीता है। ठाकुर जी का होंठ देखो नीला पड़ गया है, और ऐसे ठाकुर जी बंसुरी को ऐसे धारण करते ना, ठाकुर जी देखो कृष्ण कैसे बंसुरी बजाते हैं, राधा रानी क्या कहती हैं, जैसे एक राजा महाराजा की सेवा हो कृष्ण ऐसे बंसुरी की सेवा करते हैं, जैसे ऐसे पकड़ते हैं, कहते ये जो दो अंगुल नहीं, जैसे एक राजा बड़े दुर्लभ गति के ऊपर शयन करता है सोता है, अंगुली दबाते हैं, बोले अंगुली दबाते नहीं उनकी चरण की सेवा कर रहे हैं, आंखों का पलक झप रही है, बोले पलक झपना नहीं उनको ये हवा करते हैं, कान में कुंडल है, बोले कुंडल नहीं, जैसे मानो कृष्ण के सर को ऊपर उन्होंने छत्री धारण करके रखा है। इसलिए बोले चलो हम पौर्णमासी को पूछते हैं ये बंसुरी पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा तपस्या की है जो ये बंसुरी बन करके आए, हम भी ठीक ऐसे तपस्या करेंगे हम भी बंसुरी बन करके आएंगे। कृष्ण देखो कभी बंसुरी के हाथों में, कभी कमर में, कभी बगल में, कभी ये बंसुरी को छोड़ते नहीं कृष्ण कभी, इसलिए कृष्ण बड़े सुंदर बंसुरी बजाते हैं। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में वृंदावन में प्रवेश करते हैं ये वृंदावन भूमि भी ठाकुर जी को चरण स्पर्श पा करके उनकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोले ये घास नहीं माने इनकी रोंगटे खड़े हुए हैं, जो झरना बोले झरना नहीं, जैसे प्रेम से हमारी आंखों से अश्रु झरता है मानो ये पृथ्वी अश्रु झर रही, इतने सौभाग्य ये श्री वृंदावन धाम की। इसलिए वृंदावन जब कृष्ण चलते हैं उनकी चरण की छाप वृंदावन के ऊपर पड़ता है, और सखाओं को साथ में जब गैया चराने के लिए जाते हैं सारे सखा बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये श्लोक था जो उन्होंने पहले चेले को उन्होंने सुना, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञानी था, ये ब्रह्म को चिंतन कर रहे थे,
लेकिन ब्रह्मा का तो रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, वो तो निराकार निर्विशेष है, उसमें कुछ कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारे वाक्य भी है बड़े सुंदर देखने में, इसलिए उन्होंने जब उन्होंने एक श्लोक सुने, वाक्य बिहारी कितने सुंदर है, सुखदेव गोस्वामी सारे ध्यान ज्ञान को उन्होंने परित्याग करके उन्होंने निकल करके आ गए। बोले भैया तुम लोगों को ये श्लोक मिला कहाँ से? बोले हमारे गुरुजी बोले हमारी कहिए कि तोता उड़ते हुए चला गया, वो ले आओ। हमने पूछा भैया आपका तोता कितने सारे तोता, आपका तोता का कुछ लक्षण बता दो। बोले ये मंत्र सुन करके जो तोता अपने आप पकड़ में आएगा समझना ये मेरी तोता। बोले मैं वही तोता हूँ, मैं वही तोता हूँ, वो तो देखने में बड़े सुंदर है। तुम्हारी गुरु जी को पूछना मैं एक का भजन कर रहा हूँ, किसकी? बोले ब्रह्म को उपासना कर रहा हूँ। अभी उनको पूछना ऐसे नहीं मैंने ब्रह्म को छोड़ करके अगर मैं बांके बिहारी की शरण में आता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं मेरे को लालन पालन करेंगे कि नहीं वो कहाँ रहते हैं। पर दूसरा चेला ने बता दिए, बोले जयती जन मना प्रजा चिंतामणि, जहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष, जहाँ पर पानी अमृत है, इसलिए वृंदावन धाम में रहते हैं। माँ लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती है। तीसरा प्रश्न किए, बोले बताओ उनका परिवार में पिता माता भाई, इनकी जेठ का नाम क्या? तीसरा व्यक्ति बोल दिए, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहते उनको पिताजी का नाम है नंद, नंद मतलब सबको जो आनंद देते हैं। बोले मैया का नाम, बोले जसोदा, सबको जो जस देती है। बोले भैया का नाम, बोले दाऊ दया। वाह परिवार थोड़ा सुंदर परिवार है। हाँ देखो यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं, आप भी समझे ये चीज को। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया हम भक्ति ये बांके बिहार क्यों क्यों करें, अच्छे तरह से समझ लो, अच्छे किसी को दिमाग में बैठा लो। अभी प्रश्न होता है हम भक्ति बांके बिहार क्यों करें, जगत में तो 33 करोड़ देवता है, हम और किसको पूजा कर सकते हैं, लेकिन बांके बिहारी को पूजा करें, ये चीज को समझ लो। इसलिए यहाँ पर पहला शिक्षा दिए है, इसी जगत में देखना जैसे आपका कोई बेटी हो, आप बेटी के लिए कोई वर ढूंढ रहे हो, आप देखना भले ही कोई चीज को मत देखो, सबसे पहले एक चीज को देखोगे वो देखने में कैसे। अगर सुंदर हो ना, हम बोलेंगे भैया इसके पर्सनालिटी तो बहुत सुंदर है बेटा देख, और कोई भले ही चीज को मत देखो, पहले क्या देखोगे वो देखने में कैसे हो बेटा, सबसे पहले देखोगे। और हमारे बांके बिहारी कैसे हैं, इसलिए गोपियाँ कभी कभी कृष्ण को ताना मारती हैं, बोले नंदलाला तू जब भी हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की, अच्छा हो गया तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना कर लाला बना दिए, अगर तू लाली होता ना सारा दुनिया की खेती है तेरे को पाने के लिए मारपीट करके सब खत्म हो जाते, इतने सुंदर है। इसलिए बोले कोटि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष स्वभाव। बोले बांके बिहारी कैसे हैं, बोले करोड़ों काम देव कभी जो जीतने वाले, इसलिए इनका एक नाम मदन मोहन। मदन मोहन मतलब क्या, जो मदन को जो काम देव कभी जो मोहित किया, इसलिए उनका नाम मदन मोहन। इतने सुंदर कृष्ण दिखने, पहला नंबर हो गया सुंदर। फिर दूसरे किस चीज क्या देखोगे, देखोगे वो बेटा के जो कमा धमा रहे, ऐसे नहीं बेटी को शादी देंगे बेटी भूखी तो नहीं मर जाएगी,
दूसरी चीज देखोगे कोई नौकरी चाकरी कर रहा है, देखोगे कि नहीं, ना सुंदरता देख कर दे दोगे, देखोगे कोई नौकरी वोकरी करता है कि नहीं। पूछे भैया कहाँ रहता है वो, बोले वृंदावन में। बोले वृंदावन कैसे है, बोले चिंतामणि से जो बनी हुई है, जहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष है, जहाँ की गैया सुरभि गावी है, वहाँ के पानी नहीं अमृत। कोई कथा बोलता है लगता है जैसे सुंदर भजन गा रहे हैं, कोई चलता तो लगता है जैसे कोई नाच रहा है। लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, अगर बेटी को शादी दोगे ना, बेटी तुम्हारे राजा के हाल में रहेगी, राजकुमारी बनकर के राजरानी बनकर रहेगी। बोले वाह बड़ा सुंदर है। और फिर तीसरा प्रश्न करोगे, बेटा देखने में सुंदर, घर में पैसा की कमी नहीं, तीसरी चीज देखोगे उसका परिवार कैसा है। ऐसे नहीं सास ससुर इतने लड़ाकू, इतने लड़ाकू और जेठ इतने लड़ाकू, ऐसे हो नहीं, दो दिन बाद में छोड़ छाड़ कर लड़की तो भाग नहीं जाएगी। इसलिए तीसरी प्रश्न किए उनके परिवार कैसे। बोले परिवार उसकी माँ का नाम है जसोदा, जसोदा मतलब क्या, सब को जो जस देता। बोले पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब सबको जो आनंद देने वाले। बोले जेठ का नाम बोले दाऊ दयाल, दाऊ दयाल श्री दाऊ भैया बड़े दयालु दाऊ दयाल है। बोले वाह परिवार तो बड़ी प्यारा सुंदर परिवार है। हाँ देखो, और चौथा जो चीज सबसे प्यारा है, सबसे महत्वपूर्ण है, देखने में बेटा सुंदर, पैसा खूब कमाता है, परिवार बढ़िया, फिर देखो कि बेटा का नेचर कैसे, उसका स्वभाव कैसे है। इसलिए चौथा चेला ने पूछा उसका बेटा का स्वभाव कैसे, चौथा चेले ने उसका स्वभाव बताया। बोले स्वभाव इतने दयालु हमारे बात के बिहारी, इतने स्वभाव के अच्छे हैं। बोले गुना अवगुना प्रभु देखो ना काओ, ठाकुर तो किसकी अवगुण का प्रति नजर ही नहीं देते हैं। उतना जैसे राक्षसी काल को जहर लेकर के गई, बच्चों का खून पीने वाली, लेकिन ये हमारे बाके बिहारी क्या किया, अवगुण का प्रति कोई नजर नहीं दी। उन्होंने जो थोड़ी सी माँ की रूप धारण करके गई थी, थोड़ी उसने नाटक की, इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलना में झूलानी चाहिए, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। उनने केवल नाटक इतने रचाए थे, ठाकुर ने क्या स्थान दे दिया, उन्होंने गोलोक वृंदावन ठाकुर जी दे दिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इतनी चीज को समझ कर दी जाओ। ये जो हमारी कृष्ण है ना, माँ के बिहारी द्वारा पर माँ है, हम कहते ना तो मैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव, तुमैव विद्यां द्रविणा तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देव। जो बांके बिहारी ये हमारी माँ है, पिता है, भाई बंधु, अगर हम उसकी बच्चे हैं, अगर बच्चा माँ की गोद में टाटी पेशाब कर दे, मैया बच्चे को फेंक देती ना, उसको साफ कर लेती है। बोलो क्या करती है, साफ करती है, खुश हो जाती है बेटा कि पेट साफ हो गया है, बेटा का पेट साफ हो गया है, क्योंकि वो माँ है, कृष्णा हमारी माँ है। इसलिए अगर उनको भक्ति करते करते तुम्हारी कोई गलती हो जाएगा ना, वो माँ है इसलिए तुम्हारी अपराधों को लेगा ही नहीं, क्यों, हम उनके बच्चे हैं। लेकिन अगर दूसरे देवा देवी को पूजा करोगे, अगर तुम्हारी थोड़ी सी कोई गड़बड़ी हो जाएगी ना, वो देवा देवी तुमको छोड़ेंगे नहीं, फिर उल्टा रिएक्शन होगा, बोले लेने का देने पड़ जाएगा फिर। अगर कोई दूसरे देवा देवी को पूजा करोगे तो, लेकिन ठाकुर जी को भक्ति करने पर, गलती होने पर भी ठाकुर जी हमारे अपराध को नहीं लेते हैं। बाकी बिहार जब श्री सुखदेव गोस्वामी इतनी सी बात सुने है ना, हाथ उठा दिए, बोले कम बा दयालु शरणम ब्रजम, ऐसे बांके बिहारी को छोड़ करके हम और किसकी शरण में जाएंगे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी आए, जब सुखदेव गोस्वामी आए, श्री व्यास देवदेव को पूरी की पूरी उन्होंने ये भागवत कथा उन्होंने सुनाई। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। अभी आता है, अभी भगवान जो कृष्ण अभी हस्तिनापुर, बहुत दिन हो गया, जब जब कृष्ण जाने के लिए
बहाना बनाते हैं कि मैं द्वारका जाऊं, ये पांडवों ने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। इतने में अगर कुछ दिन रह गए ना युधिष्ठिर की बात सुन करके, इतने में भीम आ जाता है, बोल क्या बड़े भैया का बात रक्षा करने के कुछ दिन रहोगे, मेरे बात को रक्षा करने के लिए नहीं रुकोगे। फिर कृष्ण रुक जाते हैं, फिर जब जाने के लिए तैयारी होते फिर अर्जुन आ जाता है। क्या भीम भैया की खुश के लिए रहोगे, मेरे खुश के लिए नहीं, फिर रुक जाते हैं। फिर जब जाने के लिए तैयारी होता ना फिर द्रौपदी आ जाती है। कृष्ण को किसी तरह से घर से निकल नहीं देते, किसी तरह से कृष्ण को जाने ही नहीं देते हैं। एक दिन कुंती बुआ जी इतने में कृष्ण को स्तुति कर रही थी, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले कन्हैया तेरे ये कृष्ण स्वरूप को जो भजन करते हैं बड़े सौभाग्य, लेकिन उनसे बड़े कौन, बोले वसुदेव है, क्योंकि जगतपति जगन्नाथ तू हो, लेकिन जीवन में तुमने पिता को किसको तुमने पिता रूप में स्वीकार किया, बोले वसुदेव महाराज। बोले उनसे बड़ी कौन, बोले देवकी। बोले क्यों, विश्व ब्रह्मांड तेरे उदर के अंदर में, लेकिन जब तू वहां आई किसके पेट में आए, बोले देवकी के गर्भ में आए, उन्होंने माँ बनाया देवकी को। बोले उनसे बड़े कौन, बोले नंद और यशोदा, क्योंकि मथुरा में तो कृष्ण प्रकट हुए लेकिन उनको पल्ले में किसी ने झुलाया, अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना किसने सिखाया, बोले नंद और यशोदा। इसलिए कहे थे ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जोर से बोलो जय कन्हैया। देखो कल है, कल कथा दी चौथा दिन है, कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, ठाकुर जी जन्म लेंगे। जब ठाकुर जी माँ यशोदा के गर्भ में आए, जितने गोपियां थी छह छह महीना पहले 84 गज की लहंगा चुंदरी बना करके रखे, बोले नंद के लाला होगा ना इसको पहन करके हम सबके सब बधाई देने जाएंगे। इसलिए कल भी ये जितने माताएं हैं हम लोगों का लहंगा चुंदरी है कि नहीं, इसलिए कल सब धज करके और बढ़िया बढ़िया सब कपड़ा पहन करके आना, क्योंकि कल ठाकुर जी की जन्म होने वाली, ठीक है। शादी का समय का कितने कपड़ा निकलना, अभी आलमारी में रखते रखते खराब हो रहा है, कब किसको व्यवहार होना। इसलिए अभी हम गए थे कथा करने के लिए संगरूर, एक माता जी तो कम से 20 किलो की एक सुंदर क्या लहंगा पहन करके आई थी, बोलिए मेरे शादी के समय की 20 किलो की लहंगा थी पहन करके आई थी। इसलिए कल भगवान जन्म लेने वाले हैं, इसलिए आप लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आ जाए, कोशिश करना अगर पीला रंग का हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, अगर नहीं हो तो दूसरा पहन लेना, कोशिश करना पीले रंग का हो तो बहुत अच्छी है, ठीक है। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री मैया यशोदा की, बोले उनसे बड़े हैं नंद और यशोदा। बोले भैया उनसे बड़े कौन हैं, बोले ये ब्रज की गोपियां हैं, क्योंकि भगवान जब रास की ना ये गोपियों को लेकर के ठाकुर जी रास करते हैं। रास मतलब होता है जहाँ पर संपूर्ण रसी रसे, जहाँ पर स्वयं भोले वाला शंकर भी गोपीश्वर बन करके स्वयं शंकर भी आते हैं जो रास दर्शन करने के लिए, जहाँ पर कृष्ण ब्रज गोपियों की ऋणी को भगवान स्वीकार किया। सब जगह में कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा की थी, ये जथा माम प्रपदंत ताम तथैव भजामि, जो मेरे को जितना भजन करता मैं उसको इतना भजन करता हूँ। लेकिन रास में जब की गोपियों की समर्पित भावना को देख करके कृष्ण बोले हे गोपियों, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं कभी तुम्हारी ऋणी से कभी गुरिणी नहीं बन सकता, इतने मेरे लिए तुम लोगों का त्याग है। इसलिए ये रास में गोपियों का प्रवेश है, लेकिन बोले गोपियों से श्रेष्ठ कौन है, बोले श्री राधा रानी, ये गोपियां भी जिनकी चरण की उपासना करते हैं, बोले श्रीमती राधा रानी की। कुंती मैया कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रही थी, इतने में कृष्ण ने कहा बुआ जी आज तू उल्टा गंगा बहा रही हो, मैं तो तुम्हारी भाती जाऊ तो मेरी बुआ जी मुझे तुम्हें प्रणाम करनी चाहिए, लेकिन आज तुम उल्टा मेरी प्रणाम कर रहे हो। इतने में कुंती बोली भाई कन्हैया यही तो तेरी माया है,
कहां विश्व ब्रह्मांड का मालिक तुम हो, किसको बुआ बना दिया, किसका बेटा, किसको भैया, ये माया के चक्कर में तुम सब को डाल करके रखे हो, इसलिए यही तुम्हारी माया है। इतने में कृष्ण ने कहा ठीक है बुआ जी, तो आज जो कुछ मांगना मेरे से मांग लो। देखो भैया कुंती क्या चाहती है, बोले विपति संत में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। बोले हे प्रभु अगर देना चाहते हो मेरे झोली में विपति भर दो। हम ठाकुर से क्या मांगते हैं, बोले सुख संपत्ति भरे आगे कष्ट मिटे तन का जय जगदीश साध, बोलते हैं ना। लेकिन भैया कुंती क्या मांग रही है, बोले मेरे को विपत्ति दो। बोले विपत्ति क्यों चाहती हो, बोले कारण है, बोले सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि हो दुख को जो पल पल नाम जपाए। इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में जो सुमिरन करे दुख का ही को आए। इसलिए कन्हैया दुख में ही तेरा स्मरण होता है, सुख में जिनको को भूल जाते हैं। इसलिए कुंती कहती है बोले प्रभु चार तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे। बोले कौन है, बोले जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी हरे दमान। बोले जन्म अगर किसको बड़े उच्च कुल में जन्म हो जाए उनको अभिमान आ जाते हैं, किसको पास में ज्यादा पैसा आ जाए उसको अभिमान आ जाता है, किसको थोड़ी सी देखने में सुंदर हो जाए ये अभिमान आ जाता है, थोड़ी सी थोड़ी ज्ञान आ जाए तो वो अभिमान हो जाता है। बोले कन्हैया ये चार तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे ये सब के सब। इसलिए नमो अकिंचन विताय निवृत गुणामृत, जो दीनहीन व्यक्ति तेरे भजन करते हैं। इसलिए मेरे घर मेरे पास झोली में तुम विपत्ति दे दो। हाँ देखो ध्यान देखो सुनो, फिर आप लोग बोलोगे हम भगवान को घर में विपत्ति बुलाए, मतलब जो भगवान की भजन करते हैं उसको घर में क्या विपत्ति विपत्ति आए। बोले नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं जो भक्तों घर में विपत्ति आए। एक उदाहरण देकर समझाए, मानो जैसे तुम्हारी कोई पड़ोसी उसको साथ में तुम्हारी लड़ाई झगड़ा, तुम अपना बेटे को बोलते हो देख बेटा भले ही तू जहर खा करके मरना तो मर जाना लेकिन ये पड़ोसी के घर में मर जाए, इसका मतलब नहीं तू जहर खा कर मर जा, इसका मतलब थोड़ी है, इसका मतलब है पड़ोसी को घर में जाना नहीं, उसको साथ में हमारी लड़ाई झगड़ा। यहाँ पर जो मैया कुंती विपत्ति मांग रही है इसका मतलब नहीं विपत्ति आए, इसका मतलब है ठाकुर जी बोले जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इसलिए इसका तात्पर्य ठाकुर जी तू जिस अवस्था में मेरे को रखना उसी अवस्था में रख ले, लेकिन जैसे हर समय तेरे जैसे भजन करते रहूं तेरी भक्ति करते रहूं जैसे तेरे भजन से कभी चुप्त नहीं हो, इसका मतलब यही है। इसका मतलब नहीं घर में विपत्ति विपत्ति भक्तों घर में विपत्ति आई, इसका मतलब ये नहीं। इसलिए अभी पितामह भीष्म जी अंतिम सरसज्जा में लेटे हुए, उनको भी यही इच्छा है। बोले अंतिम समय में ठाकुर जी का नाम लेते लेते ठाकुर जी का दर्शन करते करते अंतिम श्वास को त्याग करना चाहता। ठाकुर जी ऋषि मुनियों को लेकर गए और पंच पांडवों को लेकर गए और एक एक करके सबके सब पितामह भीष्म की चरण को स्पर्श कर रहे थे। युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव, इतने में कृष्ण जब जा करके प्रणाम किया पितामह भीष्म को, बोले अर्जुन का सारथी आपको प्रणाम कर रहा है। अर्जुन का सारथी कौन है, कृष्ण। इसलिए कृष्ण अपना परिचय नहीं दिया, मैं कृष्ण हूँ प्रणाम कर नहीं, मैं अर्जुन का सारथी। मतलब क्या, भगवान यहाँ शिक्षा देते हैं अपने आप को कहाँ दुनिया का मालिक, लेकिन ये परिचय क्या दे रहे हैं, मैं अर्जुन का सारथी। मतलब क्या है, मतलब भक्तों का प्रेम में ठाकुर जी कितने बसे होते हैं, अपने आप को कह रहे अर्जुन का मैं सारथी हूँ। लेकिन पितामह भीष्म वो तो कृष्ण को ही याद कर रहे थे, भगवान को दर्शन करते करते जाओ, जब उसने बोले अर्जुन का
सारथी आपको प्रणाम कर रहा है। इतना बोलते ही पितामह भीष्म आंख खोल गई, आंख खोल करके सामने श्री ठाकुर जी को दर्शन किए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। इतने में पितामह भीष्म वहां पर, पितामह भीष्म कृष्ण को बोलते हैं, बोले कृष्ण ये जो युधिष्ठिर है ना बड़ा दुखी है, जब से ये महाभारत युद्ध हुई माताओं जो सामने बैठो ये बच्चों को सामने इतना मत लाया जाए, ये बच्चों को बोलो चुप करके बैठो, तुम कल दोनों है ना कल पीछे बैठ जाना, ठीक है कल तुम दोनों पीछे बैठ जाना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्री युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं और श्री पितामह भीष्म को, बोले पितामह भीष्म कृष्ण कह रहे हैं, बोले ये पांडवों को थोड़ा समझाओ, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी है क्योंकि मेरे लिए ये महाभारत हुई और कितने माताओं का कोक सुनी हो गई, कितने स्त्रियां विधवा हो गई। महाभारत युद्ध में अगर अभी भी जाओगे ना कुरुक्षेत्र में, जितने मिट्टी है ना सब लाल लाल देखोगे, हैं सारे मिट्टी लाल लाल रंग के देखोगे, 11, 19, 7, 18 करोड़ों करोड़ों व्यक्ति वहां पर मरे वहां पर। इसलिए वो सोच रही मेरी वजह से ये महाभारत युद्ध हुई और कितने माताओं की कोख खाली हो गई, इसलिए सोच रहे हैं कि अपराध मेरा है। इतने में इनको थोड़ा समझाओ, इतने में पितामह भीष्म ने कहा और बोले महाराज, इतने में कृष्ण अर्जुन को दिखाया, बोले अर्जुन देख तेरे को युद्ध करना के जो कोई जरूरत नहीं, जिनको साथ में तू युद्ध करने के लिए सोच रहे ना, देखो ये सब के सब मर चुके हैं, सबके सब ये मर चुके हैं। बोले निमित्त मात्र भव सच्च साची, केवल तो निमित्त बनो, सब कुछ मैं करके रखा, इसलिए कोई चिंता मत करो। कहते ना ठाकुर की इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलता है, इसलिए कोई चिंता मत करो, ये सब भगवान की इच्छा है। बहुत उन्होंने समझाए, इतने में समझाते समझाते एक बात बोले, बोले देखो युधिष्ठिर महाराज, कहते एक चीज को तुम समझो। बोले क्या समझो? बोले समर्थ रहते कभी भी अन्याय को सहन नहीं करनी चाहिए। जब इतनी सी बात बताई वहां पर द्रौपदी भी खड़ी थी, द्रौपदी मुंह में कपड़े देकर हंसने शुरू लग लग गए। इतने में पितामह भीष्म कहते हैं बोले बेटी तुम क्यों हंस रही हो? बोले नहीं ऐसे कोई बात नहीं। बोले नहीं, जो सत्यसाधी नारी होते हैं वो बिना कारण के कभी हंसते नहीं, बताओ तुम्हारी हंसी में तो कुछ कारण है। बोले पितामह भीष्म आप ये बता रहे हो समर्थ रहते कभी अन्याय सहन नहीं करनी चाहिए। हाँ बोले जिस समय मेरी वस्त्र हरण हो रही थी आप भी तो वहीं पर खड़े थे, ठीक नहीं वहां पर? बोले हाँ था, लेकिन आप कुछ बताया नहीं, अगर आप थोड़ी सी इशारा कर देते ना, इसकी हिम्मत था मेरे वस्त्र को हरण करने के लिए, लेकिन आप भी वहीं पर बैठे बैठे करके मेरे वस्त्र हरण को देख रहे थे, फिर आप वहां पर समर्थ रहते हुए मना क्यों नहीं किया? देखो बहुत बड़ी बात कहते हैं। बोले बेटी मैंने ये दुर्योधन का दूषित अर्न पाप का अर्न खाते खाते मेरा मन महिला हो गया था, कहते ना जैसे खाओ तो अर्न वैसे मनेगा मन, अगर शुद्ध काम करके अगर अर्थ कमाए जाए वो शुद्ध पैसा है, अन्याय पूर्वक अगर कोई पैसा कमाए तो उससे शांति सुख जीवन में शांति सुख उसमें नहीं मिलती है, इसलिए दुष्ट का मैंने अन्न खा करके मेरा मन मलिन हो गया था। लेकिन अभी जो उपदेश दे रहा हूँ कैसे दे रहा हूँ? बोले अर्जुन का बाण से मेरे शरीर में जितने दुष्ट का अन्न से खून बना था सारे दूषित खून सबके सब निकल गया है, अभी मेरा मन पवित्र हो गया, इसलिए आज मैं इतने सुंदर सुंदर उपदेश को दे रहा हूँ। इसलिए महाप्रभु भी कहते हैं विषय अन्न खाई ले मलिन है मन, मलिन मन है ले नाम है कृष्ण स्मरण, मतलब है कि दूषित अन्न भोजन करने से मन मलिन हो जाता है, मलिन मन से भगवान की स्मरण नहीं होता है। बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश दिए। बोले कृष्ण
मेरी एक बेटी है, मैं बड़े बहुत कोशिश कर रहा था कि ये बेटी की शादी कहीं दिलाए, लेकिन अभी मैं वृद्ध हो गया, सोच रहा मैं वृद्धवत मरने जा रहा हूँ, कम से कम ये बेटी को तो हम शादी करा दे, लेकिन उसका उपयुक्त कोई वर नहीं मिले। कृष्ण बोले पितामह जी आप कह रहे हो बेटी आपकी, आप तो अकुमार ब्रह्मचारी हो, पितामह भीष्म का नाम क्यों पड़ा? जब उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की आज ही मन में ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, तभी तो उनका नाम भीष्म नाम पड़ा है ना। बोले तुम बेटी कहाँ से आ गई, तू तो शादी नहीं किया। बोले प्रभु इतिमती रूप कल्पित कृष्णा। बोले प्रभु इतिमती, मेरी जो मन है जो बुद्धि यही बेटी है, अगर ये बेटी को सबसे सुंदर पति को ये मन को जब मनमोहन में लगा दो, कभी यही मुक्ति का कारण बन जाती है। जब ये मन को विषय में लगाओ फिर बंधन का कारण बनाती है। इसलिए प्रभु मेरे सामने आप खड़े हो जाओ, मैं चाहता हूँ आपको स्मरण करते करते आपकी नाम को लेते लेते मैं अंतिम श्वास को त्याग करना चाहता हूँ। अभी सामने ठाकुर जी खड़े हुए, पितामह भीष्म जी भगवान को स्मरण करते करते उनके चरण को अपना हृदय में धारण करते हुए उन्होंने अंतिम श्वास को त्याग दिया। जितना देवता लोग आकाश मार्ग में थे सबके सब पुष्प की बौछार की और पितामह भीष्म को पुष्प की बौछार की। बोले श्री पितामह भीष्म की, जोर से बोलो, बोले श्री पितामह भीष्म की। बोले ये देवता लोग आश्चर्य क्यों हो रहे थे, बोले कारण बताए। बोले जनम जनम मोनि जात न कराई, जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतिम समय में ठाकुर का नाम नहीं आता, लेकिन देखो ठाकुर जी सामने खड़े हुए, उनकी चरण को हृदय में धारण करते हुए उन्होंने अंतिम श्वास को त्याग दी। इतने में अभी पंच पांडव जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले जाते हैं, ये पंच पांडव भी स्थिर किया हम भी और ये दुनिया में नहीं रहेंगे। तब उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को राज्य सिंहासन में बैठा दिया, ये पांडव भी महाप्रयाण में चले गए। और उसी समय में परीक्षित महाराज एक दिन देखा बड़े अपशकुन देख रहे थे, तब उन्होंने चतुरंगिनी सैनी को लेकर गए, कहाँ मेरे देश में अन्याय हो रही है। हठात एक आश्चर्य चीज देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है और एक बैल का तीन पैर नहीं वो एक पैर में खड़ा है और एक राजा शूद्र को एक पैर को भी तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। परीक्षित महाराज मैं से तलवार को निकाल कर झपट पड़ी, लेकिन वो था कली, देखा इनसे बचना बड़ा कठिन और ये अर्जुन का वंशधर है। अर्जुन का वंशधर में एक विशेष गुण है, आप जितने पाप कर्म क्यों नहीं किया हो अगर इनकी चरण में प्रणाम कर लिया ना माफ कर देते। इतने में उनकी चरण में सीधा उन्होंने लेट गया, तब उन्होंने पूछे बताओ तुम कौन हो, ये गैया कौन और ये बैल कौन है। कल ये गैया पृथ्वी है, कृष्ण चले गए, कलयुग आएगा, लोग बड़े पाप कर्म करेंगे इसलिए दुखी होकर के रो रही हैं कि पाप को कैसे सहन करूं। कल ये बैल कौन है, कल ये धर्म है। बोले तीन चरण गया कहाँ, बोले धर्म का चार चरण है
अभी सत्य त्रेता द्वापर बीत चुका है, कलयुग में धर्म केवल एक चरणों पर खड़ा हुआ है। लेकिन बोले तुम कौन हो? बोले मैं कली हूँ। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं कलयुग में चाहता हूँ धर्म कर जो कुछ भी रहने नहीं दूं, धर्म कर्म को सब खत्म कर दूं। बोले देखो जब तक अब मैं हूँ तुम्हारी कोई यहाँ पर काम नहीं चलेगा, इसलिए तुम मेरे राज्य से निकल जा नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। बोले कहाँ जाऊँ? अभी संपूर्ण पृथ्वी में आपका राजत्व है, जहाँ जाता हूँ वहीं पर आपको धनुष धारण करते हुए देखता हूँ, मेरे को स्थान दे दो। अब ये सोच रहे हैं इसको स्थान दूं कि नहीं दूं। कलयुग में दोष किया और गुण किया, बोले कलयुग में तो दोष ही दोष है, लेकिन कलयुग में एक गुण भी है। बोले क्या गुण है? बोले कितना देव कृष्ण से मुक्तम गत प्रभु। अगर कलयुग में थोड़ी सी ठाकुर का कोई नाम जप कर लिया, ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, थोड़ी सी हरि का नाम को अगर जप कर लेता है बस उसकी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने देखा ये जो कलयुग है ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं। देखो ध्यान देकर सुना, ये महत्वपूर्ण बात है, हम ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहता, क्योंकि ये युग का नाम कली है। अब देखना भाई भाई में कलह, बहू बहू में झगड़ा, पड़ोस में झगड़ा, ऑफिस में झगड़ा, देश देश में लड़ाई, मन मन में लड़ाई, लड़ाई छोड़कर कुछ है ही नहीं कलयुग में। इसलिए ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो कलयुग में हम आए हैं ये साधारण कलयुग नहीं, ये धन्य कलयुग है। ब्रह्मा का एक दिन में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ये कलयुग में आते हैं। हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते हैं, 1000 चतुर्थी को बाद में एक बार महाप्रभु आते हैं ये कलयुग में। और इसी कलयुग में देवता लोग भी इसी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। सप्त त्रेता द्वापर युग का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेकर के महाप्रभु का चरण को आश्रय करते हुए, एक बार हाथ उठा करके सबके साथ बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग में आकर के हरि नाम को ग्रहण करते हुए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जो प्रेम के लिए कामना करते हैं, महाप्रभु ये कलयुग में वो आसानी से वो प्रेम को दे देते हैं। इसलिए कलयुग ये जो कलयुग है इसका विशेष महत्व ये कलयुग है। इसलिए परीक्षित महाराज बोले भैया तुम रुको, तुमको जाने का जरूरत नहीं, दोष तो कम है लेकिन गुण ज्यादा कलयुग में। इसलिए उन्होंने कलयुग का स्थान किया। अभी आप लोग ध्यान देकर सुना, कली को कहाँ पर स्थान दिया? उनने चार जगह पर कली को स्थान दे दिया। मतलब है कलयुग में केवल चार नियमों का पालन कर लो और थोड़ी सी ठाकुर का नाम लो, इससे ही हमारी बेड़ा पार हो जाएगी। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर सिखा दिया, देखो मैं धर्मराज हूँ, मैं धर्मराज हूँ, लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हो गई, राज्य गया, भाई गया, मेरे पत्नी को भी मैंने दाव पर लगा दी, मेरे द्रौपदी का वस्त्र हरण देखना पड़ा, फिर 12 साल तक हमें जंगल में भटकना पड़ा। जो जुआ खेलेगा ना इतने नीचे उतर सकते हैं, इसलिए कभी भी जुआ खेलनी नहीं चाहिए। धर्म का पहला चरण सत्य खत्म हो जाता है। दूसरा है पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु को नहीं लेनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए, इसको लेने से तपस्या नष्ट हो जाता है। तीसरा चीज है स्त्रियम, कहते स्त्रियों को ऊपर में भी कली का निवास है। बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास है? बोले जो अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुषों से मिलते हैं, संसार करो शादी करके अपना धर्म पत्नी को साथ में घर गृहस्थी बैठाओ। इसलिए बगैर शादी के जो बॉयफ्रेंड जो गर्लफ्रेंड बनाते
शास्त्र इसको एकदम अस्वीकार किया है, हैं ये सब गंदी चीज है, यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो चौथी चीज है जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब है मांस मछली अंडा ये सब चीज को नहीं खानी चाहिए। और जो प्याज है ये प्याज हमको नहीं खानी चाहिए, ये भी तामसिक वस्तु है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। जैसे अभी नवरात्रि आई ना, जो ना 9 दिन तक तो प्याज लहसुन कोई नहीं खाते थे, क्या 9 दिन के लिए मैया को खुश रखो खा करके फिर नाराज कर दो? जो ठाकुर को भोग नहीं लगता, जो ठाकुर जी माता जी को पसंद नहीं, जो हनुमान की व्रत रखते हैं वो भी नहीं खाते हैं, ये सब चीज से दूर रह करके शुद्ध रूप में भजन करनी चाहिए। जब परीक्षित महाराज जी 4 जगह पर स्थान दे दिया तभी कली खुश रही, बोले मैं कहाँ पर ढूंढू, कौन शराब पी रहा है, कौन मदिरा पान करता है, कौन मांस खा रहा है, कौन जुआ खेल रहा है, मैं कहाँ कहाँ ढूंढू? मेरे को ऐसे एक स्थान दे दो मेरे को जहाँ पर सब चीज मिल जाए। तो उन्होंने सुवर्ण में स्थान दिया, सोने में स्थान दे दिया, मतलब पैसा में स्थान दिया। अभी यहाँ प्रश्न होता है, भैया पैसा तो लक्ष्मी है, पैसा लक्ष्मी है ना, ये पैसा में कैसे उन्होंने कली को स्थान दे दिया? आप लोग भी ध्यान से सुना, कभी ये लक्ष्मी की 2 वाहन है, एक है उल्लू वाहन और एक है गरुड़ वाहन, 2 वाहन है। जब लक्ष्मी को हम घर में बुलाए क्यों? अपना भोग के लिए, माँ लक्ष्मी आओ आपका हम भोग करेंगे। उसी समय लक्ष्मी ये उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है और हमें ये उल्लू बना देती है। अगर लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये चीज को याद रखो, लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की है। बोले माँ लक्ष्मी घर में आओ, बोले क्यों? पर आप नहीं रहेंगे तो ठाकुर को हम सेवा कैसे करेंगे? फिर उसी समय वो उल्लू को पर बैठ करके नहीं आएगी, फिर वो गरुड़ को पर बैठ करके आएगी, वो अकेली नहीं आएगी। आप देखना गरुड़ के ऊपर में लक्ष्मी को कभी अकेले बैठते हुए नहीं देखोगे, देखोगे नारायण को साथ में बैठते हुए देखोगे। मतलब तुम्हारी घर में लक्ष्मी नारायण आएंगी और तुम्हारी घर को गोलोक वृंदावन बना देंगे, घर को गोलोक वृंदावन बना देंगे। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, लेकिन याद रखो लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी के है, ठाकुर जी की सेवा के लिए ही माँ लक्ष्मी को हम बुला रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी ब्रह्मा जी की नाभि कमल से, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई है। ब्रह्मा जी को भगवान सर्वप्रथम उन्होंने चतुष्लोकी उन्होंने प्रदान की। बोले ब्रह्मा जी को बोले सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, ब्रह्मा जी सर्वप्रथम चतुष्ण को सृष्टि की। बोले संसार का क्रम बढ़ाओ ठाकुर का निर्देश। बोले पिताजी ये घर गृहस्थी में हम फंसना नहीं चाहते हैं, बड़ा जंजाल ये घर गृहस्थी है। बड़ा क्रोध आया तो ललाट से रुद्रदेव प्रकट हुए, शंकर जी को भी यही आदेश दिया। लेकिन शंकर जी जोगी जोगी महाजोगी, जहाँ उनके ध्यान लगे कल्प कल्प तक बीत जाती है। बोले पिताजी कहाँ ये घर गृहस्थ में फंसाना चाह रहे हैं, अगर मैंने मना कर दिया तो पिता को क्रोध आएगा। बोले ऐसे काम करो पिताजी, अपने आप मना कर दिया, जितने भूत पिशाच वो सृष्टि करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा बोले कोई सृष्टि ना संहार कर रहे हो, बेटी जरूरत नहीं सृष्टि करने का। फिर उन्होंने परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की, 10 बेटे सृष्टि की। फिर उन्होंने मनु महाराज को सृष्टि किया, ये मनु महाराज से सृष्टि का धीरे धीरे यहाँ तक जो हम इतने लोग भर गए दुनिया में, ये कहाँ से आए? बोले श्री मनु महाराज से आए। उन्होंने 3 बेटी और 2 बेटे उन्होंने जन्म दिए, एक उत्थान पाप प्रिय व्रत और आकुति देहूती प्रसूति। यहीं से ही ये दुनिया बढ़ते 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 मनु महाराज से हुए। इसलिए हमें क्या कहते हैं, हमें मानव कहलाते हैं। इसलिए लेकिन अभी का जो साइंस पढ़ो, जैसे डार्विन थ्योरी, डार्विन क्या कहते हैं, बोले हमारे जितने पूर्वज ना सब बंदर थे, ये बंदर का पूछ कटते 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 जब खत्म हो गया ना, फिर ये बंदर ही इंसान बन गया। हमारी शास्त्र ऐसे बात नहीं बोलता, हमारे प्रभुपाद कहते हैं कभी ये जो डार्विन का पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज तो राम और कृष्ण थे। वो कहते हैं उसी समय बंदर का पूछ कटते कटते खत्म क्यों हो गया, अभी कितने सारे बंदर घूम रहे, कोई बंदर कोई इंसान अभी बन गए, उसी समय क्यों बन गया था? इसलिए ये डार्विन मरने से पहले ये बात बोल कर गया,
बोले मेरे को सरकार ने मेरे को इसको बोलता प्रूव कर दो, बंदर से इंसान हुए हैं कि वो लोग को नास्तिक ही बनाने के लिए। लेकिन ये जो थ्योरी है ना हमारे भारत में पढ़ाई होती है, लेकिन अमेरिका में देखो ये थ्योरी नहीं पढ़ाई होती है, वह अमेरिका में इसको नहीं पढ़ाया जाता है, हमारे भारत में सब चीज़ को पढ़ाई जाती है। हमारी कोई भी ग्रंथ नहीं कहता है हम सबके सब बंदर से हुए हैं। हमारी हिंदू ग्रंथ गीता है, पढ़ लो, कृष्ण स्वयं कहते हैं पिता अहमस जगत धाता माता पितामह, अर्जुन जगत में जितने जीव है सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए तुमैव माता च पिता तुमैव हैं, इसलिए ममई मांस जीव लोक जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन सब जीव मेरे अंश हैं, ये सनातन है, मैं जैसे सनातन हूँ ये जीव भी सनातन है। आप बाइबल पढ़ो, ये क्रिश्चियन का ग्रंथ, वहां पर लिखा हुआ है गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, वहां पर बताया भगवान ने अपना जैसे इंसान को जन्म दिया। मुसलमान का कुरान पढ़ लो, वहां पर लिखा हुआ अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया। इसलिए जितने धर्म ग्रंथ पढ़ोगे ना कहीं पर नहीं बताया गया ये बंदर से हुए, और हम कोई बंदर से नहीं हुए, हम ठाकुर जी से हुए, भगवान राम और कृष्ण से। देखो भगवान राम को देखेगी नहीं, भगवान का दो हाथ हमारे हाथ दो है, भगवान की जैसे आंखें हमारी भी आँख है, इसे हमारे जैसे नाक भगवान की नाक जैसे हमारी नाक है, हमारे भी 32 दांत, ठाकुरों भी 32 दांत है। हम कृष्ण राम से मिलते हैं ना बंदर से मिलते हो, बताओ कोई बंदर को ले आओ यहाँ पर, तुम्हारी चेहरा में मिलाओ बंदर से मिले कोई ना, ठाकुर को साथ में मिलते हो। इसलिए देखना हमारे भारत में सबके सब गोत्र है, गोत्र है कि नहीं, तुम्हारे क्या गोत्र है बोलो जोर से, तुम्हारी गोत्र क्या है पूछो सबको, देखना सब भारत में सब गोत्र है ना, बोले गोत्र कहाँ से आ गया, बोले जिस ऋषि से हम आए हैं, जो ऋषि से हम आए हैं वो वही हमारी गोत्र है। इसलिए भैया हम कोई बंदर से नहीं हुए हैं, हमारे शास्त्र कहता है हम सबके सब श्री मनु महाराज से हुए हैं, भगवान की संतान ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से ये पांच संतान, ऐसे धीरे 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 दुनिया भरा है दुनिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ कहते श्री यहाँ पर कथा आती है, श्री उत्थान पाद की कथा आती है, जिनकी दो पत्नी है, जिनकी दो पत्नी है, कहते एक है सुनुति और एक है सुरुचि। अभी हमारे प्रभु जी आपको ये उत्थान पाद की प्रिय पद की कथा सुनाएंगे, आप दो मिनट ताली बजा कर इसका कीर्तन कर लो। बोले गो भजन बिहारी से हमारे आगे बिहारी से भावी विश्व भाव गुलारी से हमारे विश्व भाव गुलारी से भावी विश्व
Hey, 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 hey
विशाखा दीदी कहाँ गई? वो कौन बच्चे बोलना जा रहे थे? विशाखा दीदी है कि नहीं? हरे कृष्णा। अरे बच्चों कौन श्लोक बोलना चाह रहे थे? बच्चों में कौन श्लोक बोलना चाह रहे थे? बच्चे कहाँ गए बच्चे के सब? बैठ जाओ, क्यों खड़े हो गए? बैठ जाओ सबके साथ। और कौन बच्चे बोलना चाह रहे? ये दोनों ना तब माइक देते तो लोग कहेंगे उठो। माइक ठीक से दबो, माइक तो उसको बंद है। तो मुंह में दो, एक व्यक्ति बोलो। गोविंदा सर्व ब्रह्म राक्षसा, इसका मतलब है जिसके माथे पे तिलक नहीं, जिसके गले में घंटी माला नहीं, जिसके हृदय में ठाकुर जी नहीं, वो इंसान होकर भी ब्रह्म राक्षस है। कृष्ण कन्या सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है कि हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने हमें ज्ञान रूपी शलाकया यानी काजल हमारे आंखों में लगाया है, यानी हमें ज्ञान दिया है, उन गुरु ऐसे गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमानी सुधा परी देवी प्रेमी हरि प्रिया। इस श्लोक का अर्थ है तप्त कांचन गौरांगी यानी सोने से जैसी तपी हुई, एक सोने जैसी रंग की तप्त कांचन गौरांगी, एक सोने जैसी गोरी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावन की राधे ब्रज भानु जी की पुत्री प्रणमामी हरि प्रिय और कृष्ण जी की प्रिय ऐसी राधा रानी यानी हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं। हे कृष्ण कंडा सिंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण कर्णा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण कर्णा सिंधु दयालु कृष्ण दीन बंधु जो दया के सागर हैं, दीन बंधु सबके बंधु जगतपते जगत के नाथ गोपेश गोपिका कांत गोपियों के पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। राधा जी के प्रिय कृष्ण जी को हम प्रणाम करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है बच्चों को, सभी आशीर्वाद हैं अपना कि आगे चल करके भक्ति में और तरक्की करें। आप लोग भी अपना बच्चों को ये श्लोक है ये बच्चों को आप लोग भी अपना बच्चों को सिखा सकते हो। हमारे विशाखा दीदी यहाँ पर खड़ी है, इसलिए अगर अपना बच्चों को अगर ऐसे ऐसे श्लोक सिखाओगे तो बच्चे भी आगे जा करके अच्छे संस्कार बनेंगे और हमारी सनातन धर्म को ये रक्षा करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान देकर सुनो। अभी ज्ञानांजन शलाकया चतुरुन्मीलितं
जिसमें से कोई नमः। कितना छोटा बच्चा है, कैसे श्लोक बोलता है। अभी हम जम्बू कथा करने के लिए गए थे, जहाँ कथा कर रहे थे वहाँ पर एक मस्जिद था पास में। सवेरे 5 बजते ही वहाँ पर ऐसे ऐसे छोटों का ना छोटे छोटे बच्चों का बड़ी आवाज आती थी, क्योंकि उस इतने मुसलमान भाई लोग थे, सवेरे 5 बजे सारे बच्चों को मस्जिद में ले आते थे और वहीं पर उन्होंने कुरान पढ़ाना शुरू करते थे। उनकी कुरान सुन करके हमें पता चलता था अभी 5 बज गया है, 5 बज गया है सवेरे। आप लोग तो यहाँ के जानते हो, जैसे शुक्रवार का दिन हमारे जितने मुसलमान भाई लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके ले जाते हैं और मेन रोड को जाम कर देते हैं, करते थे कि नहीं। इसलिए उनकी धर्म का प्रति उनकी इतने अटूट विश्वास है, इतने अटूट विश्वास है, वो धर्म के लिए प्राण को बलिदान देने के लिए तैयारी हो जाते हैं, अपना बलिदान देने के लिए तैयारी हो जाते हैं। क्यों? उनके बचपन से उनको ऐसे संस्कार दी जाती है। मुसलमान धर्म में 2 साल उम्र में ही कंपलसरी उनको कुरान पढ़ना पड़ता ही है, कंपलसरी उनको 2 साल में कुरान पढ़ाते हैं। इसलिए बचपन में पढ़ते पढ़ते इतने इनकी दृढ़ संस्कार बनती है, इतने दृढ़ संस्कार से धर्म के लिए प्राण दे देते हैं। देखो, आप कभी भी नहीं देखोगे कोई भी मुसलमान लोग अपना धर्म के ऊपर अंगुल उठाते हुए देखोगे? आपसे पूछ रहा हूँ, एक मुसलमान को कभी नहीं देख सकते हो कभी अपना धर्म के ऊपर अंगुल उठाते हुए। किसी क्रिश्चियन भाई को भी देखोगे नहीं कोई भी धर्म के ऊपर अंगुल उठाते हुए। लेकिन देखो, दुर्भाग्य का विषय देखो, अभी यहाँ कथा हो रही, हमारी 2 बैनर लगा हुआ था, लेकिन कोई हिंदू भाई ने ये बैनर को तोड़ा है, बैनर को फाड़ दिया। कोई एक एक राजा आया है, प्राइम मिनिस्टर आया है, हम बड़े भाग्यवान हैं। अभी वो कोशिश कर रहे हैं हर स्कूल कॉलेज में हमारी गीता रामायण पढ़ाई हो, ये अभी कोशिश कर रहे हैं गीता रामायण हमारे स्कूल में पढ़ाई हो, बच्चों को ऊपर में अच्छी संस्कार पढ़े, बच्चे अच्छे बने, ठीक है। इसलिए आप लोग भगवान की भजन करो, भक्ति करो और आनंद में रहो। अभी हमारे प्रभु जी ये कमल प्रभु जी हम थोड़ा इतना बोल सकते आ जाओ, आज जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, एक बार हाथ उठा करके सबके सब बोलो। आप लोग भी अपना बच्चों को ऐसे श्लोक सिखाओ, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी हमारे बीच में श्री कमल प्रभु जी आपको थोड़ी सी अच्छी बात बताएंगे, भजन की बात बताएंगे कमल प्रभु। ओम अज्ञान निरंजन ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पितरूपेश्च कृपासन्दुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यासासन पे विराजमान पूज्य पाठ श्री भक्तिवेदान श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। उनके साथ आए हुए समस्त ब्रह्मचारी वृंद और जो संगीत से जो सबको ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और आप सभी श्रोताओं को भी मेरा दंडवत प्रणाम। कलयुग चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि कोई भी शुद्ध वस्तु बहुत मुश्किल से मिल रही है। ग्रेटर नोएडा में तो फिर भी हमें थोड़ी हवा अच्छी मिल जाती है, परंतु जब आप दिल्ली जाते हो या किसी बड़े शहर बॉम्बे इत्यादि में आप जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि हवा भी शुद्ध नहीं है। घर में जो पानी आ रहा है उसमें परेशानी है। जो हम भोजन खा रहे हैं फल फूल इत्यादि हैं उनमें भी शुद्धता नहीं है। दूध आता है वो भी मिलावटी आता है। यदि एक समझदार व्यक्ति को, यहाँ पर बहुत सारी हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, जब आपको मार्केट में अगर दुकानदार दो चीजें दिखाए कि ये शुद्ध दूध है और ये मिलावटी है, दाम में थोड़ा सा फर्क है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास इतनी धनराशि है, तो आप क्या लेना पसंद करते हो, मिलावटी या शुद्ध वाला? लेकिन मिलावटी तो सस्ता मिल रहा है, आप क्यों नहीं ले रहे उसको? क्यों? क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य को अधिक महत्व देते हो, आपको पता है बीमार हो जाएंगे। ऐसे जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो एक शुद्ध सोना है एक मिलावटी सोना है, तो अगर आपको पता लग जाए तो आप कौन सा खरीदेंगे? शुद्ध सोना खरीदना पसंद करेंगे। तो उसी तरह से कलयुग में हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो धर्म का प्रचार भी होगा ना, वो आपको सभी तरह का मिलेगा, मिलावटी भी मिलेगा और शुद्ध भी मिलेगा। परंतु हम धर्म के विषय में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज जल्दी कर बैठते हैं। अपने लिए मिलावटी सोना नहीं खरीदते, मिलावटी दूध नहीं लेंगे, मिलावटी आटा नहीं खाएंगे अगर पता होगा। लेकिन धर्म के विषय में कोई किसी ने भी आपको बुलाया या आपने कोई भी पढ़ा या YouTube पे कुछ देखा तो हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, जो भी बाबा जी बोल रहे हैं वो ठीक ही कह रहे होंगे। परंतु श्रीमद् भागवतम जैसी कथा आप आज सुन रहे हो, इस ग्रंथ में दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया गया। जब आप इसको ध्यान से सुनते हैं पढ़ते हैं तो पता लगेगा कि ये निर्मत्सराणाम धर्म है, इसमें किसी तरह का ईर्ष्या का स्थान नहीं है और ये अमल निर्मल शास्त्र है। निर्मल मतलब, मल मतलब होता है गंदगी, और जब सारी धर्म की शिक्षाओं में से जब आप सारी गंदगी को हटा दें तो जो शुद्ध खालिस जो उपदेश बचता है वो ही इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में है। परंतु जितने भी ग्रंथ हैं, भले वो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, रामायण है, महाभारत है, ये किताब का मूल्य प्रदान कर देने मात्र से आप उसके ज्ञान को पाने के अधिकारी नहीं बनते हो। देखिए, जब आपका बच्चा स्कूल में जाता है ना, आप स्कूल की कैंटीन को, मतलब बुकशॉप को 500 रुपए देते हो, आपको बच्चे की फिजिक्स की मैथ्स की पुस्तक मिल जाती है। वहां आपके बच्चे की उस किताब के राइटर में श्रद्धा है या नहीं है उसका फर्क नहीं पड़ता। वो अगर पढ़ेगा 2+2=4, अब उसकी मैथ्स के टीचर में श्रद्धा नहीं भी है तो भी उसको वो ज्ञान मिल जाएगा। परंतु धर्म के विषय में ऐसा नहीं है। ये जितने भी ग्रंथ हैं इनको समझने की जो चाबी है, जो कुंजी है, वो गुरुजनों के पास होती है। जब तक उनके अनुगत्य में, उनकी गाइडेंस में हम इन शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो अपने आप स्वयं पढ़ने से पूरा लाभ नहीं होता है। होता है लाभ लेकिन पूरा नहीं होता। तो जो आप में से सीरियसली समझना चाहते हैं इन ग्रंथों को, तो आपको ऐसे शुद्ध भागवतों का, ऐसे शुद्ध प्रचारकों का, ऐसे शुद्ध गुरुजनों का सानिध्य में आना ही होगा। और साथ साथ भाव कैसा होना चाहिए? श्रद्धा का भाव होना चाहिए, ईर्ष्या या द्वेष का या चैलेंजिंग भाव नहीं होना चाहिए। प्रश्न हम कर सकते हैं परंतु वो प्रश्न कैसे होने चाहिए? जिज्ञासा पूर्वक, है ना, नम्रता के साथ, चैलेंजिंग वे में नहीं। तो ये दो बातें जो मैंने आपसे कही है इनको सदा स्मरण करिएगा कि बिना गुरु की गाइडेंस के शास्त्र समझ नहीं आएंगे।
और गुरु को कैसे अप्रोच करना है, श्रद्धा के भाव से करना है। तो इन दो बातों को सदा ध्यान रखें। महाराज जी अभी बता रहे थे कि पूरे भारत में किस तरह से धर्म को समझने की बड़ी आवश्यकता है, तो बस अंतिम आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उनके सपोर्ट से एमिटी यूनिवर्सिटी, जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है लखनऊ की, तो वहाँ पर एक नेशनल लेवल का, मतलब पूरे भारत के लेवल का एक सेमिनार हुआ, और उसका विषय बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहली बार ऐसा कोई सेमिनार भारतवर्ष में हुआ जिसमें भगवद गीता का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। किसके साथ? हमारे भारत के संविधान के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ। ये आज तक पहले कभी नहीं हुआ है कि एक धर्म ग्रंथ को किसी भी प्रयास ऐसा किया गया हो जब भारत के संविधान के साथ उसको मिलाने का प्रयास किया गया हो। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से और महाराज जी की कृपा से मुझे और एक मेरी को ऑथर थी पूर्णिमा गुप्ता, वो प्रोफेसर हैं, लॉ पढ़ाती हैं दिल्ली में बहुत बड़े कॉलेज में, हम दोनों ने मिलकर के उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी क्योंकि बहुत बड़े बड़े उन्होंने हमसे एसेज लिखवाए, लेकिन बहुत खुशी हुई ये देख करके कि पूरे भारत में नेशनल लेवल पे कई तो ऐसे मुस्लिम प्रोफेसर्स आई थी और उनको भगवद गीता के बारे में इतना ज्ञान था जितना मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आप माता बहनों को भी नहीं होगा। वो मुस्लिम प्रोफेसर थी, लॉ की प्रोफेसर थी बहुत बड़ी, उसको हिंदी बोलने भी नहीं आती थी, लेकिन उसने जब भगवद गीता पे अपनी प्रेजेंटेशन दी तो सबने बहुत उसके लिए ताली बजाई। तो उस सेमिनार में जाने से हम सबको ये पता लगा कि कैसे भारत के संविधान को भगवद गीता जैसे ग्रंथ के साथ जोड़ा जा सकता है। उस विषय पे जो मैंने बहुत मेहनत से थीसिस तैयार करी थी वो मैं समय आने पे जो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सबको जो विशाखा दीदी ने जोड़ रखा है मैं वहाँ पर शेयर करूँगा, हो सके तो उसको पढ़िएगा, उससे आपको पता लगेगा कि कैसे भगवद गीता की कही गई एक एक बात पूर्ण रूप से सत्य है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े वकील आए थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स दिखाई जहाँ पर भगवद गीता के श्लोकों को रेफरेंस में यूज किया गया है जजेस के द्वारा किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए। तो मैं बस अधिक ना कहते हुए यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ग्रेटर नोएडा के सभी भक्तों की ओर से हम महाराज जी का पुनः स्वागत और धन्यवाद करते हैं और उनके सभी सहयोगी जो उनके साथ साथी हैं हमारे ब्रह्मचारी वृंद हैं उनका भी हमारी तभी हो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कल हम लोग भगवान जन्म लेने वाले हैं, कल एक एक भक्त लोग 10-10 भक्तों को लेकर जाना, क्योंकि हमारे गुरु जी कहते थे आप जिनको लेकर के आओगे उसका आधा पुण्य आपको मिलेगा। और हम कमल प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं और जो चीज वहाँ बताई यहाँ पर भी आकर थोड़ी थोड़ी बता करके जाए। हम चाहते हैं हमारे भगवत गीता हमारे हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ है, इसी विषय पर हमें भी अच्छी अच्छी बात बता दें, ठीक है। बड़े श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज हम कथा को ही विश्राम देते हैं, फिर कल से हम कथा सुनेंगे और आप लोग सब धज करके सबके से बढ़िया कपड़ा पहन करके आना, भगवान की जन्मोत्सव मनाएंगे। आप लोग के पास खड़े हो जाओ, प्रभु जी के भजन गाएंगे और नृत्य करो और प्रसाद लेकर के जाओ प्रभु जी का। सावनिया तेरे आगे नंदीलाला तेरे आगे, मैं तो गुर बांध के नाचो सावनिया तेरे आगे। जब 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 कल कभी याद आता है जब खत्म हो जाए सावरिया तेरे आगे नंदीलाला तेरे आगे, मैं तो घुंघरु बांध के नाचूं सावरिया तेरे आगे, मैं तो घुंघरु बांध के नाचूं सावरिया तेरे आगे।